फ्रेंड्स, पीटीएच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज संघ से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में। दोस्तों, क्रिकेट का नाम आए और वेस्ट इंडीज टीम का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। वेस्ट इंडीज अगर देश नहीं है तो क्या है? इस सवाल का उत्तर जानने के लिए आगे इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि लेकिन वेस्ट इंडीज नाम का कोई भी देश धरती पर मौजूद ही नहीं। यह एक कैरिबियन रीजन का हिस्सा है। दोस्तों, दरअसल कुछ कैरिबियन देशों के समूह ने ही वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का निर्माण किया है, जो वास्तव में अलग अलग देश है। आपको बता दें कि इन सभी कैरिबियन द्वीपों में फुटबॉल भी बहुत लोकप्रिय है। दोस्तों, वेस्ट इंडीज संघ का सबसे बड़ा द्वीप जमैका हुआ करता था। वेस्ट इंडीज संघ 1958 से लेकर 1962 तक ही रहा, बाद में इसके लगभग सभी द्वीप अलग होते गए। दुनिया का सबसे छोटा रनवे कैरिबियाई रीजन पर ही मौजूद है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम की स्थापना सभी कैरिबियन देशों को मिलकर सन 1928 में की थी। दोस्तों, कैरिबियन देशों में ज्यादातर लोग अफ्रीकी मूल के हैं। कैरिबियन रीजन में कुल 28 देश हैं, जिनमें से कुछ पर आज भी इंग्लैंड और फ्रांस का राज है। दोस्तों, सबसे बड़ा कैरिबियन देश क्यूबा है। क्यूबा की कुल आबादी 1,10,00,000 के करीब है। दोस्तों, सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट भी कैरिबियाई है। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारत के कई हिंदू कैरिबियन रीजन में जाकर बस गए थे। तो दोस्तों, बस इतना ही है वेस्ट इंडीज के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।